तभी मैं कहूँ मेरे बंगाली भाई बहन इतने फैन क्यों होते हैं इस मछली भात के, आऊंगा जरूर आऊंगा कलकत्ता देखना। हेलो जी, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम और सत श्री अकाल। तो दोस्तों, बात करते हैं जी आज की वीडियो की। भाई वीडियो इस प्रकार से कि आपका भाई आज बनाने जा रहा जी भाई मसाला फिश करी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी बनाना, और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं जी बनाना। भाई ये रोहू मछली है जो करीब मैं 2 किलो 700 ग्राम लेके आया हूँ, ठीक है जी। तो सबसे पहले इसमें डालेंगे जी हम 1 चम्मच हल्दी, नमक एंड नींबू, 2 नींबू का रस। इसे चंगी तरह से मिला लो। तो जी इसे मैंने हल्दी से मैरिनेट कर दिया और नींबू से। तो अब 15 मिनट हम वेट करते हैं। तो दोस्तों भाई 15 मिनट हो गए हैं, ठीक है जी। भाई तो भाई ये मस्टर्ड तेल है, ठीक है। ये ना सोचना कैसा तेल है, ये मैंने एक्चुअली इसमें पहले के ना 2 मछलियां फ्राई करके खा ली, ठीक है जी, इसलिए ऐसा हो गया हुआ है। तो इसमें हमको अब मछलियों को फ्राई करना है, जो कि गर्म होना चाहिए, काफ़ी गर्म होना चाहिए तेल ये। तो दोस्तों भाई तेल बहुत गर्म हो गया, डाल दो जी पहला पीस। भाई पीस बड़े बड़े हैं, ठीक है जी। इसे आप हाई फ्लेम पे ही फ्राई करना और अच्छी तरह फ्राई करना भाई, कम से कम 5 मिनट तक इसे बिल्कुल टच टुच नहीं करना, ठीक है, क्योंकि ये टूट सकती है। इसे प्रॉपरली आप फ्राई होने दो और 5 मिनट के बाद इसको हम पलटी मार लेंगे। तो चलो जी 5-6 मिनट हो गए जी इसको एक साइड फ्राई होते हुए, अब मैं इसकी पलटी मारता हूँ। भाई ध्यान रखना ये फटता भी है, ये बड़े पटाखे मारता है ये तेल के, 2 छींटे आ गए मेरे पे। तो अब दूसरी साइड से भी इसको आप ऐसे ही फ्राई करो जी। तो दोस्तों भाई ये छोटा भी फ्राई हो गया और ये बड़का भी फ्राई हो गया। दोस्तों हम बाहर निकालते हैं जी, अब धीरे धीरे प्यार से, छीटिया ना बढ़ जाए। आ भाई आ भाई, चलो जी करते हैं नेक्स्ट लॉट फ्राई। तो दोस्तों बस यूँ ही अपने फ्राई कीजिए मछलियाँ, ठीक है जी, आराम आराम से, धीरे धीरे, जल्दबाजी नहीं करना, ठीक है। 5 मिनट इस साइड, 5 मिनट उस साइड, ठीक है, हाई फ्लेम पे। चलो तो लो दोस्तों भाई अपनी जो मछलियाँ हैं वो फ्राई हो गई है जी, अब करते हैं नेक्स्ट कार्रवाई स्टार्ट। तो दोस्तों भाई नेक्स्ट कार्रवाई इस प्रकार से, भाई कढ़ाई मैंने लगा दी है, तेल वही है जिस पर मैंने अपने मछलियाँ तली थी, ठीक है, बहुत काला हो गया पर कोई ना भाई। ये 10 टेबलस्पून मैंने रखा हुआ है इसमें। तो इसमें हमने क्या करना है जी, इसमें डालेंगे जी भाई कलियाँ, किसकी भाई, अदरक की और लहसुन की, ठीक है जी, और साथ में हरी मिर्चें भी। ये कलियाँ करीब 6 से 7 होंगी, और ये जो अदरक की कलियाँ हैं कितनी कहाँ गई, ये रही, ये भी 4-5 मैंने काटी है थोड़ी मोटी मोटी। तो जी थोड़ा भून लो इसे। तो भाई करीब 30 सेकेंड भूनने के बाद अब डालेंगे जी इसमें हम प्याज, ठीक है जी, ये करीब 4 प्याज है जी, ठीक है जी। तो इसे भी भून लो करीब 1 मिनट के लिए। करीब 1 मिनट भुनने के बाद हाई फ्लेम पे आप डालेंगे जी टमाटर, ये जी 6 टमाटर हैं, ठीक है जी, डाल दो। तो इसे चंगी तरह से मिला लो, साथ में डालो जी नमक, ठीक है जी, स्वाद अनुसार। तो मिला मुलू लो 5 मिनट अब इसी तरह फ्राई करेंगे, कड़छी चलती रहनी चाहिए हाई फ्लेम पे। तो दोस्तों भाई 5-6 मिनट हो गए जी, ठीक है, अब मैं गैस का फ्लेम बंद करने जा रहा हूँ और इसे मैं अब ठंडा होने दे रहा हूँ। क्यों, क्योंकि हमको इसको ग्राइंड करने का है, ठीक है, इसका पेस्ट बनाने का है। तो लो भाई दोस्तों भाई पेस्ट बन गया, बड़ा शानदार। तो चलो करते हैं नेक्स्ट कार्रवाई। तो दोस्तों भाई नेक्स्ट कार्रवाई इस प्रकार से, भाई मैंने लगा दिया पतीला, भाई क्वांटिटी मछलियों थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है नहीं। तो भाई इसमें मैंने तेल डाल दिया, ये करीब 4 से 5 टेबलस्पून मस्टर्ड तेल है जो कि गर्म हो गया हुआ है। इसमें डालूंगा जी मैं जीरा, ठीक है, 1 चम्मच। लगे हाथ डालूंगा जी 3 बड़ी इलायची और 4 छोटी इलायचियों को मैंने कूटा हुआ है, डाल दो, उड़ेल दो। 3-4 निके निके लौंग डाल दो, 2 तेज पत्ता डाल दो। तो गैस का फ्लेम हाई करके अब भून लो। भाई खुशबू आना स्टार्ट हो गई है मसालों से, अब गैस का फ्लेम लो कर दो। तो डाल दो पेस्ट जो हमने बनाया हुआ है, गैस का फ्लेम हाई कर लो। अब करीब 2 से 3 मिनट इसे हाई फ्लेम पे पकाओ, कड़छी चलती रहनी चाहिए। तो भाई 2-3 मिनट हो गए जी पकते हुए हाई फ्लेम पे, अब डालेंगे कुछ मसाले, गैस का फ्लेम लो। 2 टेबलस्पून सौंफ पाउडर, चुटकी भर हल्दी, 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर, डाल दो। तो जी मिला मुलू लो चंगी तरह से, इसमें थोड़ा सा पानी मिलाओ, करीब 100 ग्राम, ज़्यादा नहीं, मिला मुलू लो, ठीक है जी। तो अब आप गैस का फ्लेम हाई करोगे और इन मसालों को करीब 2 मिनट पकाओगे हाई फ्लेम पे, ठीक है, करछी चलाते रहना थोड़ी देर के लिए। भाई जब तक मसाला पकता है भाई कार्रवाई तीसरी स्टार्ट करते हैं। भाई ये है जी लाल मिर्च कश्मीरी, ठीक है जी, ये है 5 चम्मच। तो इसमें मिलाने जा रहा हूँ मैं पानी थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है, मिलाओ 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 मिलाओ, इसका बनाओ जी पेस्ट। अगर पानी की जरूरत और बड़ी और मिला देना। तो लो जी भाई पेस्ट मैंने बना दिया, कोई लम्ब नहीं रहना चाहिए, थोड़ा लिक्विड नुमा पेस्ट है ये, ठीक है, लिक्विड टाइप। तो सॉरी दोस्तों अगर बाप के कारण दिखना पा रहा हूँ प्रॉपरली। तो भैया 2 मिनट हो गए, मैं गैस का फ्लेम अब लो करने जा रहा हूँ। तो इसमें शिफ्ट करेंगे जी अब
वड्डे वड्डे पीस मछली के, ये गया एक पीस, ये गया दुआ पीस। तो भाई पीस तो मैंने सारे डाल दिए, लेकिन इनको बड़ी इज्जत से भाई मिला मलू लेना, ठीक है, कहीं टूट टाट ना जाए। तो जी मैंने मिला मलू दिया, ठीक है, अब डालेंगे जिसमें वो पेस्ट जो हमने बनाया था, किसका, लाल मिर्चों का, प्रॉपरली मिलाना, प्रॉपरली ऐसे। अब इसको हम दोबारा से थोड़ा सा मिक्सअप करेंगे, ठीक है, लेकिन थोड़ा इज्जत से करना भाई। तो भाई दोस्तों मैंने मिक्सअप कर दिया, अब मिलाएंगे जिसमें हम पानी करीब दो गिलास, फिलहाल दो नहीं दो कम बढ़ जाएंगे तीन गिलास। तो भाई थोड़ा ध्यान रखना, अभी मछली टूटने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए थोड़ा धीरे धीरे से मिलाना है, ठीक है। अब उसको टच नहीं करना, अब उसको हिलाना डुलाना बिल्कुल नहीं है। अब एक उबाल का वेट करो आप, उबाल आ चुकी है भाई, मैंने नमक चेक किया, नमक प्रॉपर है। मैं ढक्कन बंद कर रहा हूँ और 20 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे अब। तो दोस्तों भाई 20 मिनट हो गए, तो अब क्या करना है जी, अब हम डालेंगे जिसमें भाई गरम मसाला भाई 1 टेबल स्पून, ठीक है, फैला दो, ठीक है, और गैस का फ्लेम हाई कर दो भाई। अब मछली को छेड़ना मत, तो भाई इसको ना गरम मसाले को ना ऐसे डालो, ये डालो ऐसे ऐसे तरी जहाँ ये मसाला बैठा हुआ है, ठीक है, बस। अब 5 मिनट इसे हाई फ्लेम पे उबालो आप। तो दोस्तों भाई 5 मिनट हो गए जी इसे उबलते हुए, अब मैं गैस का फ्लेम कर रहा हूँ बंद, पर छिड़क रहा हूँ जी मैं इस पे अजवाइन चुटकी भर, ज़्यादा नहीं करना, ठीक है, बस। तो इसे भी ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा मिला मलू लो। अब करना कुछ नहीं है, अब मैंने करीब 15 मिनट वेट करना है, ठीक है, ताकि ये सेट हो जाए, हाँ, तो उसके बाद से करेंगे हम टेस्ट इत्मीनान से। तो चलिए बनके तैयार हो गई जी फिश करी। तो लो दोस्तों भाई बनके तैयार हो गए जी अपना भाई मसाला फिश करी। भाई देखो यार भाई, अरे देखो मैंने क्या किया भाई, बड़ा क्वांटिटी था, मैं कहाँ पतीला लेके बाहर बैठूंगा यार तो इसलिए अपने खानदानी बर्तन में लेके आया। भाई पहले बताओ ग्रेवी बनी कैसी है, वो कितने की ग्रेवी, ओके टूट टाट रह जाए मेरी ये मच्छी। भाई देखो ये देखो, हाँ ग्रेवी कैसी है, गाड़ी गाड़ी मोटी मोटी है नहीं। देखो भाई लक कैसे रही है ना, बताओ ये तो बताओ कैसी मच्छी दिख रही है, सही दिख रही है ना भाई, टूट जाएगी कि इज्जत से। तो भाई साथ में क्या लिया है भाई, साथ में कुछ नहीं लिया हुआ है, रहने दो इधर आओ भाई, मुद्दा किसका है, मुद्दा है भाई इस ग्रेवी का, ये ग्रेवी बनी कैसी है। ओहो ये देखो, आपको दिखाता हूँ मैं इसका टेक्सचर, मैंने बाद में धनिए से भी इसको लोड कर दिए, हरा धनिए से, समझे ये। आ भाई देखो भाई टेक्सचर, देखो टेक्सचर, हाँ मोटी मोटी प्यारी प्यारी, थोड़ी और बनती है स्वाद है स्वाद है। एक चीज़ अभी बुरी लगी मेरे को, क्या बुरी लगी भाई, अजवाइन थोड़ा ज़्यादा हो गया लगता है मेरे को, मैंने चुटकी भर देनी थी मच्छी को, थोड़ा थोड़ा ज़्यादा हो गया, वो ज़्यादा घूम रहे मेरे जुबान के ऊपर, तो उससे ना गड़बड़ हो गई है बाकी, लेकिन स्वाद भाई बढ़िया जा रहा है, बढ़िया जा रहा है, थोड़ा और लेता हूँ। ओह बाकी क्या ही है, मसाले खानदानी मसाले जो पड़े हैं वो पड़े गए हैं, थोड़े तो पड़े हैं, लौंग इलायची और बड़ी इलायची कूट के, बस बाकी कुछ डाला ही नहीं हमने, हाँ। तो भाई स्वाद सही है, तो भाई ग्रेवी तो कर दी चट। मुद्दा किसका है, मुद्दा है पीस का, तो भाई कहीं पीस टूट टाट ना जाए, हाँ। ओए ओए देखो यार देखो, इज्जत से इज्जत से, हाँ। इस पे थोड़ी ग्रेवी का भी यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं, क्योंकि इसको ग्रेवी के साथ होना लगा लगा के भाई। अब देखो हाँ पीस मैंने बड़े बड़े रखवाए, हाँ रोहू मछली है, ध्यान रहे चीज़ का, बताओ यार, हाँ बताओ बताओ, ऐसे ही नहीं अब देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है भाई, कांटों से बड़ा डर लगता है यार, कांटे बड़े देख देख के खाने पड़ेंगे आज भैया, कांटे कुंटे तो पहले आ गए बाहर, हाँ भाई तू आजा बाहर, जा बाहर आ, तू भी बाहर आ, तू भी बाहर आ, देखो इसे खाते हैं जब लगा लगा के। थोड़ा और बनता है, एक और बनता है। भाई जो मैंने आपको कहा था
कि अजवाइन थोड़ा ज़्यादा हो गया है भाई, वो ग्रेवी में लग रही थी, सच में कह रहा हूँ यार, मच्छी के साथ एकदम परफेक्ट लग रही है, परफेक्ट भाई, क्या स्वाद है अजवाइन यार मच्छी के साथ मिलके भी, अनोखा स्वाद, अनोखा, सच में कह रहा हूँ मैं। तो भाई थोड़ी और ग्रेवी रहते हैं इसके ऊपर, हाँ मस्त मस्ती ग्रेवी डालते हैं इसके ऊपर, स्वाद लेना पूरा लेना, है ना। आ भैया भाई एक चीज़ खास देखी मैंने, जितनी आप मछली बड़ी लाओगे ना तो कांटे उसके उतने ही मोटे मोटे और बड़े होते हैं, ठीक है ना, छोटी लाओगे तो भाई छोटे और दिखते ही नहीं हैं। तो भैया जाओ जाओ, भाई इसकी ग्रेवी ऐसी है मतलब बच्चा भी आराम से खा ले, भावें 2 साल का हो भावें 20 साल का हो, आराम से खा सकता है, तीखापन बिल्कुल नहीं है, क्यों, कश्मीरी लाल मिर्च तीखी होती ही नहीं है, केवल हल्का फुल्का रंग, हाँ बाकी मसाले प्रॉपर है, प्रॉपर। तो भाई एक चीज़ ट्राई करते हैं, वैसे नींबू तो मैंने डाला है मैरिनेशन पे, बट वो आई थिंक उतना इफेक्ट उसने लिया नहीं हुआ है, मैं ना नींबू मंगवाता हूँ यार, देखते हैं नींबू से क्या टेस्ट आने वाला इसका, हाँ आओ भाई नींबू मंगवाया मैंने दादा धनिया लगा कर, तो आओ भाई डालते हैं इसके ऊपर, इसको लगा लगा के, ठीक है सो सो, मतलब कि ताड़ फाड़ नहीं कुछ हुआ, नॉर्मल रहा, नॉर्मल खास नहीं। तो भाई मच्छी मुच्छी तो हो गई, ग्रेवी भी हो गई, अब मुद्दा है किंग का, भाई किंग के साथ क्या दबाही फिरने वाली है इस मच्छी के साथ में। चलो तो भाई दोस्तों भाई किंग की एंट्री हो चुकी है, आज तो किंग बड़ा खिला खिला लग रहा है, इसको पता कि आज मच्छी आने वाली है, मच्छी मच्छी और बात, भाई क्या जुगलबंदी है, मुझे पता मेरे बंगाली भाई जो है उनको मालूम है, अच्छी बात है भाई, ग्रेवी आ जा जा, अब देखते हैं ग्रेवी क्या तबाही फेरने वाली है। हाँ भाई भाई मज़ा आ रहा, देख के स्वाद आ रहा है, देख के स्वाद आ रहा है, मेरे को लगता है कुछ बनने वाली है इनके आपस में, और कोई कंडा कुंडा तो नहीं है, ओए वो है, वो है, वो देखो ए निक्का जिया, ओ भाई कुछ नहीं बोलूँगा, कुछ नहीं बोलूँगा, अभी किंग को बोलने दो, अभी किंग को बोलने दो, किंग कुछ बोल रहा है भैया, यार क्या ही बोलूँ मैं आपसे, यार क्या ही बोलूँ भाई, सच में कह रहा हूँ, मान लो मेरी बात भाई, जैसे ये किंग और ग्रेवी मिक्स होके सीधे जुबान पे आई ना यार, अच्छा क्लिक सा हो गया, चश्मे कर रहा हूँ क्लिक सा हो गया भाई, क्या टेस्ट है यार, इतना मीठा टेस्ट, या तो मुझे लगता है कि भाई रोहू मछली बहुत मीठी है जिस कारण अपनी ग्रेवी बड़ी मीठी मीठी हो गई हुई है, हाँ भाई तीखापन तो है ही नहीं ना भाई, वो मान लो मेरी बात, तीखापन बिल्कुल भी नहीं है, इन्जॉय करोगे इन्जॉय, सच में कह रहा हूँ, ले लो एक और बाइट लेते हैं, एक और बाइट लेते हैं, ग्रेवी बनती भाई, कोई मच्छी मिलाते हैं, मच्छी आ मच्छी, मछली को फ्राई करना बड़ा ज़रूरी, सच में कह रहा हूँ, मछली फ्राई नहीं करोगे स्वाद नहीं आएगा, ये मान लो मेरी बात, हाँ भाई है कोई कंडा कुंडा तो नहीं है वो, ओ भाई तबाही है तबाही, मच्छी बात ने तो तबाही फेर दिया, तबाही तभी मैं कहूँ मेरे बंगाली भाई बहन इतने फैन क्यों होते हैं इस मछली बात के, आऊँगा जरूर आऊँगा कलकत्ता देखना। थोड़ी और ग्रेवी बनती भाई, भाई अगर कोई कमी कुमी रह गई होगी ना वो भी शेयर कर देना आप कमेंट्स में कि भाई आप कैसे बनाते हो, हाँ मैं भी ज़रूर ट्राई करूँगा, हाँ मुझे ज़रूर बताना, हाँ या तो भाई अब तो मैं इसे इत्मीनान से खाऊंगा, कहाँ कहीं कोने में जाके, ताकि मैं कंडे कुंडे आराम से निकाल के खा लूँ। तो भाई दोस्तों भाई ये थे आपके भाई का बनाया हुआ भाई मसाला फिश करी, हाँ आप ये ज़रूर ट्राई करना, मुझे बताना आपको कैसा लगा। तो दोस्तों फिर अगले इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।